इस खूबसूरत सी डाइनिंग एरिया में मैं अभी आई हूँ ब्रेकफास्ट करने, और पता नहीं आज क्या मिलेगा ब्रेकफास्ट में। आई एम सो एक्साइटेड। मैं दिखाती हूँ क्या क्या आज मैं खाने वाली हूँ, उसके बाद आगे मैं प्रॉपर्टी टूर भी दिखाऊंगी। सो जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल डाइनिंग एरिया, स्पेशली द शैंडलियर बहुत ही खूबसूरत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे ऑलवेज प्लेस अ नैपकिन ऑन योर लैप, जो बहुत ही यू नो रॉयल फील होता है। आप लोगों ने देखा होगा कुछ हाई एंड रेस्टोरेंट में ऐसा करते हैं, जो कि बहुत ही फैंसी हाई एंड डाइनिंग एटिक्वेट है। तो सबसे पहले उन्होंने मुझे सर्व किया ये वाटरमेलन जूस, जो बहुत ही रिफ्रेशिंग था। देन सर्व करा उन्होंने कुछ फ्रेशली कट फ्रूट्स, सुबह से फ्रूट खाना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। देन उन्होंने मुझे सर्व करा था, बहुत सारे ऑप्शन थे ब्रेकफास्ट में, बट मैंने चूज़ करा था उपमा। उपमा इतना यमी था कि मैं शूट करना भूल गई। तो गाइस अभी मैं रेडी हूँ थोड़ा सा ब्लॉग करने के लिए जगह को। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रूम्स के बारे में, जो यहाँ पे टोटल 11 रूम्स हैं और 3 वैरायटी के रूम हैं, पैलेस, हिस्टोरिकल एंड रॉयल स्वीट्स। तो मैं रुकी हूँ पैलेस स्वीट में, जो है ये छाव रूम, देख सकते हो 101। तो ये सारे ना ये छाव डांस से इंस्पायर्ड है, और इसके बगल में और है कि वो है, लेट मी शो यू, दिस इज डोकरा रूम। डोकरा एक आर्ट क्राफ्ट है जो यहाँ बहुत ही फेमस है। तो चलिए बात करते हैं इस पूरे ये जो पैलेस की। तो ये जो पैलेस देख रहे हो ना, ये एक 18th सेंचुरी विक्टोरियन स्टाइल ये पैलेस है, और ये जो पैलेस को रिस्टोर किया गया है हेरिटेज बुटिक होटल में, जो यहाँ के जो प्रिंसेस है 47th जनरेशन के, जो अभी रिसेंटली यहाँ पे किंग एंड क्वीन भी रहते हैं, उनके बेटियाँ भी रहती है प्रिंसेसेस। तो उन्होंने इस बहुत ही खूबसूरत पैलेस को रिस्टोर किया है एज अ हेरिटेज होटल, बुटीक होटल। तो आगे बुटीक भी है, मैं आपको दिखाऊंगी। तो सबसे अच्छी और सबसे खूबसूरत जगह यहाँ का ये एरिया, जो ये बॉल एडोब बॉल रूम है। तो ये है बहुत ही खूबसूरत एडोब बॉल रूम, और ये जो देख रहे हो मेरे बैकग्राउंड पे, ये जगह बहुत सारे मैगजीन में फीचर किया गया है। ये इस पैलेस का बहुत ही खूबसूरत यू नो रूम है, जहाँ पे कभी इस जगह पे बहुत ही अच्छा यू नो गेट टुगेदर होता होगा राजा रानियों का। और यहाँ पे पिक्चर्स आप देख रहे हो उस एरा का, जो प्रिंसेस एंड क्वींस उनके फोटोज लगे गए हैं। और इधर मैं आपको दिखा देती हूँ। सो दोनों तरफ देख सकते हो पोर्ट्रेट चित्रों का बहुत ही ह्यूज पेंटिंग्स यहाँ पे लगे गए हैं। यहाँ पे बहुत सारा चीज़ है आपको देखने के लिए। कल थोड़ा सा रूम टूर हुआ था, तो मुझे जो भी पता है मैं आपको बता रही हूँ। तो आगे इस तरफ है एक लाइब्रेरी, तो ये लाइब्रेरी बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे बहुत सारे किताबें उस ज़माने के अभी भी रिस्टोर करके रखा गया है। और आगे जो वॉल पे देख रहे हो, वो जो बाइसन के जो स्केलेटन है, वो रियल स्केलेटन है, जो उस ज़माने में राजाओं ने शिकार किया हुआ था और यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। और ये जो देख सकते हो, ये जो दरवाज़ा काफ़ी यूनिक है, रोटेटिंग। मैं इधर से लिफ्ट करती हूँ तो ये ऑटोमेटिकली इधर से बंद भी हो जाता है, विच इज वेरी यू नो ब्यूटिफुल। तो ये जो पैलेस है ना, ये एक्चुअली समर पैलेस बोला जाता है। जब उस जमाने में राजा यहाँ पे समर वेकेशन बोल सकते हो, समर मनाने, समर के टाइम में रहने आते थे। और इस महल को इस तरीके से बनाया गया है, यहाँ पे एसी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हो ना, सारा आर्किटेक्चर यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है, कैसे यहाँ पे ऐसे आर्किटेक्चर यूज़ किया हुआ था, जो मतलब हवा जो आता है ना अंदर पैलेस में, वो एकदम सारे कमरे में फैल जाता है। इस तरीके का आर्किटेक्चर था। अभी भी ये जो महल ठंडा रहता है, इसलिए समर बिताने के लिए राजा यहाँ पे आते थे। तो चलिए और भी आगे दिखाती हूँ। ये
ये जो फ्रेम्स आप देख रहे हो ना, यहाँ पे जो पेपर यूज़ किया हुआ है वो भी हैंडमेड है, और ये जो आप ड्राइंग्स देख रहे हो हाथों से बनाया करते थे उस ज़माने में। जब राजा शिकार करने जाते थे तो वो अपना स्टोरी बताते थे कि कैसे हम लोग शिकार किए, एवरीथिंग। तो जो पेंटर था ना, जो स्केच बनाता था, वो सारा कुछ यहाँ पे डिस्प्ले करके बनाता था। तो ये अभी भी यहाँ पे मौजूद है, देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत। तो यहाँ पे जो फ्रेम्स लगे गए हैं बहुत ही खूबसूरत, और ये जो आप देख सकते हो ये राजा जी लाए थे उस ज़माने में, उनको गिफ्ट के तौर पे मिला था। सो दिस इज़ बेसिकली प्रोजेक्टर एरिया, जहाँ पे सारा कुछ हिस्ट्री भी, लोग आके जब यहाँ पे भीड़ होता होगा, जब लोग आते होंगे तो उनको हिस्ट्री बताने के लिए प्रोजेक्टर रूम में सारा कुछ हिस्ट्री यहाँ पे दिखाया जाता है। सो दिस इज़ बेसिकली इट। और यहाँ पे एक टाइगर का भी देख सकते हो, एक स्टफ्ड मास्क यहाँ पे फेस देख सकते हो डिस्प्ले किया गया, सारा रियल है। उस ज़माने में जब राजा गए थे शिकार करने के लिए, उसी को लेके आए थे, तो यहाँ पे स्टफ करके लगाया गया है। अभी मैं ऐड कर रही हूँ कुछ उस दिन के रूम टूर का कुछ क्लिप, और ये जो तीन आप देख रहे हो ना, ये रियल क्रोकोडाइल के स्कल है, जो मैन ईटर हो गए थे। तो राजा जी ने इनका शिकार किया था, उनके पेट में से बहुत सारे ह्यूमन ज्वेलरीज भी निकले थे, जैसे कि नेकलेस, अंगूठी वगैरह। और ये सारे जो शिकार किए गए सारे कुछ जानवरों के सींग वगैरह हैं, जो कि सब कुछ रखा गया था। और ये हमारे थे यहाँ के स्टाफ हिमांशु जी, ये बहुत अच्छे तरीके से यहाँ का पूरा एरिया का, पूरा ये पैलेस का रूम टूर दे रहे थे। एक एक चीज़ उन्होंने बताया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और हम लोग गए थे टॉप फ्लोर में, जहाँ पे अभी भी किंग क्वीन और उनके दो डॉटर्स रहते हैं, प्रिंसेसेस। टॉप फ्लोर में भी ऐसे कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी जो आपको बहुत ही फैसिनेटिंग सा फील होगा, जैसे कि पुराने पेंटिंग्स, बहुत सारे ऐसे विंटेज कलेक्शन। और मैं बालकनी में गई थी जो टॉप फ्लोर में है, वहाँ पे सिटिंग एरिया भी है जहाँ पे आप बैठ भी सकते हो, चाय पी सकते हो। और यहाँ पे बहुत सारे विंटेज कलेक्शन है, जैसे कि ये विंटेज फ़ोन और बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये प्रिंसेस मृणालिका का ये फ़ोटो बहुत ही खूबसूरत था। मैं चारों तरफ एक्सप्लोर करके देख रही थी, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, हर चीज़ बहुत ही खूबसूरत था। उसके बाद हम लोग नीचे आ गए थे, और नीचे आने के बाद मैंने देखा ग्रामोफोन, जो अभी भी चलता है, कैन यू बिलीव दिस गाइस, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो अभी मैं इस पैलेस के पीछे तरफ हूँ, बैक साइड पे, और ये पहले ना एंट्रेंस हुआ करता था। और ये देख सकते हो पीछे का नज़ारा इस तरीके का दिखाई दे रहा है, साइड में आपको बहुत ही डीप डाउन देखने को मिलेगा। और ये जो पैलेस है ना, ये एकदम हिल टॉप में बनाया गया था, और साइड में पानी हुआ करता था। तो अभी देखने को नहीं मिलेगा पानी वगैरह, यहाँ पे अभी रोड बन चुका है। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ, मैं बहुत क्यूरियस थी कि इस पैलेस को बैलगाड़िया क्यों बोला जाता है, बट इसके पीछे भी एक स्टोरी है। पहले के ज़माने में ना यहाँ पे पानी हुआ करता था, जैसे कि मैंने बताया, तो उसको ओडिया में गाड़िया बोलते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे बेल के भी पेड़ थे, अभी भी बहुत सारे मौजूद हैं, तो इसीलिए बेल और गाड़िया मिला के हुआ बैलगाड़िया पैलेस। तो दिस इज़ हाउ दिस पैलेस नेम्ड बैलगाड़िया। तो ये इंटरेस्टिंग स्टोरी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और साइड में आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे मैंगो के पेड़, यहाँ पे 12 तरीके के मैंगो उगाए जाते हैं, आई मीन यहाँ के मतलब 12 तरीके का पेड़ लगाए गए हैं। तो ये देख सकते हो ये जो लगा हुआ है ना, यहाँ पे लेमन ग्रास लगाया गया है, इसका स्मेल मुझे बहुत पसंद है, वाह, बहुत ही फ्रेश इसका स्मेल है। और आगे मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे बेल के पेड़ भी है, और आगे एक तो गिरा भी हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे आम के पेड़ हैं, जैसे कि मैंने बताया 12 वेराइटी के आम के पेड़ यहाँ पे लगाए गए हैं। और यहाँ के जो आम को तोड़ना, फ्रेश चटनी भी यहाँ पे सर्व किया जाता है। और यहाँ के बेल से फ्रेशली बेल ऑफ पोना, जो कि उड़िया का एक समर ड्रिंक है, वो भी सर्व किया जाता है गेट्स को। तो बहुत ही खूबसूरत ये गार्डन है। सो अभी हो गया है लंच टाइम, और अभी हम लोग जा रहे हैं इस पैलेस के खूबसूरत एक जगह, जहाँ पे ये बाहर ही बना हुआ है, और जिसको बोलते हैं द बान, ब्यूटीफुल ग्लास हाउस, उसके अंदर हम लोग करने वाले हैं लंच। तो आज के लंच में क्या है आपको थोड़ी देर में देखने को मिलेगा, तो लेट्स गो इनसाइड फर्स्ट। सो ये है खूबसूरत ग्लास हाउस ऑफ द पैलेस। Thank you.
लंच के स्टार्टर में बादशाह सूप जो बहुत ही यम है, और आज का मेन्यू है लंच में चाइनीज़। तो आई एम बिग फैन ऑफ चाइनीज़ डिशेज, और शाम को होने वाला अथलेटिक फूड, तो अभी के लिए चाइनीज़ फूड देख लो। शाम को मिलेगा मयूरभंज का बहुत ही यमी मांसू मुड़ी जिसको बोला जाता है, मैं आपको शाम को बताऊँगी। तो अभी मैं इन्जॉय कर रही हूँ इस सूप, और ये ब्यूटीफुल से ग्लास हाउस में बहुत ही अच्छा लग रहा है यार। इंटीरियर काफ़ी खूबसूरत है, स्पेशली जो लाइट्स हैं आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर है। तो आज लंच में था चाइनीज़, और सबसे पहले उन्होंने सर्व करा मांचाओ सूप चिकन का, काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद उन्होंने चिकन और फ्राइड राइस सर्व करा जो काफ़ी यमी था। उसके बाद स्टार ऑफ द शो है ये संडे, आइसक्रीम संडे जो काफ़ी बहुत ही यमी था। और ये संडे खा के, ये डिज़र्ट खा के ना मेरा लंच कम्प्लीट हो गया, काफ़ी यमी था।